हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के हमारे व्यूअर हैं लव कुश, जिनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। पूछा गया है कि सर पेमेंट वाउचर का यूज समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे करना है, क्या करना है। तो देखिए, पेमेंट वाउचर का जो यूज है ना, बहुत सिंपल है। अगर आप कहीं पर भी पेमेंट करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी पे कर रहे हो आप, चाहे वो आप एडवांस पे कर रहे हो, चाहे आप क्रेडिटर पार्टी को पे कर रहे हो, ठीक है, जिसको भी पे करेंगे वहां पर पेमेंट वाउचर में एंट्री पास होगी। अब जैसे किसी को पेमेंट वाउचर में, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक कंपनी हमारे पास पहले से बनी हुई है, अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से लेजर्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर अल्टर पे आते हैं और यहाँ पे आपको लेजर्स की पूरी लिस्ट दिखाता हूँ। तो देखिये, ये बहुत सारे लेजर्स हैं, इनमें क्रेडिटर और डेटर पार्टी के भी लेजर्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर के आगे सी लिख रखा है हमने, तो यहाँ पर या फिर होलसेलर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिये, ये होलसेलर लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है। तो अब इनका क्या, इनको कुछ पैसा पाना है या नहीं पाना है, इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे यहाँ पर ये जो होलसेलर का लेजर है ना, इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये सन्ड्री क्रेडिटर का ही ग्रुप है, तो क्रेडिटर पार्टी के लिए ही पेमेंट किया जाता है, ठीक है। या फिर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो फिर पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते समय हमेशा क्रेडिटर पार्टी को ही पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में परेशानी होती है, आपको शायद समझ में नहीं आता है कि कहां पर ये एंट्री करनी है। आप देखिए, यहाँ पर एक और क्रेडिटर पार्टी है, मोनू सी करके लिखा हुआ है। तो अगर इन्होंने कुछ, इनसे कुछ परचेस किया होगा हमने, तो हम इनको पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर पार्टी को पेमेंट करने की जरूरत है, मोस्ट केसेस में क्रेडिटर पार्टी को ही पेमेंट किया जाता है, ठीक है। सैलरी वगैरह के कंडीशन में आपको पेमेंट रिसीव कराना होता है, ठीक है, पैसा देना होता है। और वो क्या होता है, वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में आप पास करते हैं। यहाँ पर एक और है, महेश होलसेलर। तो यहाँ पे जो महेश होलसेलर हैं, इनका भी जो जो ये होलसेलर पार्टी है, इनको भी जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर में ही एंट्री पास करेंगे। तो यानी जब भी होलसेलर पार्टी की बात आएगी, उसको पेमेंट करने की बात आएगी, तो ऐसे कंडीशन में आपको कहाँ एंट्री पास करनी है, पेमेंट वाउचर में। तो जब भी आपने परचेस किया तो आपको पेमेंट ही करना है, ये चीज याद रखिएगा। ये तो बहुत कॉमन है, और 50% केसेस में यही होता है कि आप पेमेंट करते हैं कब, जबकि आप क्रेडिटर पार्टी से कुछ सामान खरीदते हैं तब, तो उसी कंडीशन में आप पेमेंट करते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं, ये महेश जो क्रेडिटर पार्टी है, इसको पेमेंट किस तरीके से करना है, कितना इनका बकाया है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको पता करने का। यहाँ पे वी बटन प्रेस कीजिए, जैसे ही वी बटन प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी हम पेमेंट वाउचर में है। अगर आप पेमेंट वाउचर में नहीं है तो F5 प्रेस कर लीजिएगा, आप आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में। अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है डेबिट, ठीक है। तो डेबिट किसे करें, तो यहाँ पर महेश जो क्रेडिटर पार्टी है, महेश होलसेलर करके, इनका लेजर हम इंसर्ट करते हैं, अभी पता चलेगा कि कितना बकाया है इनका पैसा। तो देखिए, यहाँ पर 3,04,500 रुपए इनका बकाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो अमाउंट शो कर रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पर वो अमाउंट शो हो रहा है कि इनका कितना बकाया है, ठीक है। इसी तरीके से कोई और भी क्रेडिटर पार्टी होगी तो उसका कितना बकाया है, इसको पता करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि उसका लेजर आप यहाँ पे इंसर्ट करिए और ये अपने आप बता देगा कि किसका कितना बकाया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और है, यहाँ पे ये नीचे आते हैं, ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे एक और होलसेलर पार्टी है हमारे पास, राकेश होलसेलर करके। तो यहाँ पे देखिए, 13,233 रुपए इनका बकाया है। किसी भी होलसेलर पार्टी का आप लेजर यहाँ पे अगर लगाते हैं तो ये बताएगा कि उसको कितना पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये तरीका हुआ, अगर मान लीजिए आप पेमेंट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर में आए और यहाँ पर अगर आप पेमेंट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए एक होलसेलर पार्टी है हमारे पास महेश, ठीक है, और यहाँ पर महेश होलसेलर पार्टी का लेजर लगा सकते हैं, मोनू क्रेडिटर करके है तो इसका लेजर लगाते हैं, तो इनका देखिए 8,209 रुपए 50 पैसे बकाया है। तो अगर मान लीजिए आप 5,000 पे करते हैं किसी डेट में, डेट कैसे चेंज करते हैं, डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2 प्रेस करके आप चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम डेट यही रखेंगे जो पहले से चल रहा है, 2 जुलाई। और अगर मैं यहां से बाहर ही आ जाता हूं, अभी इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करा है मैंने, एक्सेप्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये पूरा एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाता है, ये तो पता ही है। वी बटन प्रेस करते हैं वापस आते हैं, तो हमने मोनू क्रेडिटर करके लगाया था लेजर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल अमाउंट कितना दिखा रहा है, 8,209 रुपए 50 पैसे दिखा रहा है ना, तो हमने कितना दिया, 3,200 ही दिया, ठीक है। अगर 3,200 देते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस पर कर्सर आता है, यहाँ पे कैश करते हैं तो ये कैश करने के बाद कितना बचेगा भाई, 8,000 समथिंग था, तो 5,000 और बचेगा 3,200 दिया तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। इसी तरीके से कोई और क्रेडिटर पार्टी हो या मोनू वाला क्रेडिटर पार्टी का लेजर फिर से अगर आ जाए और यहाँ पर जो है आप एंटर करके आइए और यहाँ पे मोनू क्रेडिटर का लेजर फिर इंसर्ट करता हूँ। देखिए, ये इंसर्ट किया हमने तो यहाँ 5,009 रुपए दिखा रहा है। तो अगर मैं 3,200 फिर से दे दूं
तो अभी इतना माइनस हो जाएगा 5,950 में से 3,200 माइनस हो जाएगा और माइनस होके कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर वो अमाउंट आपको शो हो रहा है 1,809.50 अब बच गए, ठीक है। यानी ये एंट्री पास करने के बाद 1,809.50 ही केवल बचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी क्रेडिटर पार्टी आप ले सकते हैं, एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट जैसे किसी क्रेडिटर पार्टी को आप एडवांस पेमेंट देना चाहें तो एडवांस पेमेंट भी दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और हमारे पास होलसेलर पार्टी है, यहाँ पे नीचे आते हैं, ये महेश होलसेलर करके हैं, तो इनका 3,04,500 बकाया है। तो अगर आप 3,04,000 दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 30400 ये आपने इनको दे दिया 3,04,500, तो यहाँ पे देखिए ये 3,04,500 कर दिया और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस कर दिया हमने और एंटर करके नीचे आया और इसको कैश में मान लीजिए हमने दे दिया, कैश में दे दिया, बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करंट बैलेंस क्या शो कर रहा है, जीरो शो कर रहा है, यानी इनको पेमेंट हो चुका, ठीक है। और पेमेंट हो गया तो बस, समझ में आ रही बात। अब मान लीजिए फिर वही लेजर अगर हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, अगर मैं वही लेजर इंसर्ट करता हूं महेश वाला, ये देखिए महेश होलसेलर करके था, तो अब इनका तो एक भी रुपया बकाया नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए 5,000 हम देना चाहें इनको तो ये दे दिया, ये देखिए ऑन अकाउंट पे कर्सर चला जाता, यानी ये विशेष परिस्थितियां बन गई, ठीक है, ये विशेष परिस्थितियां बन गई और ऐसी स्थिति में यहाँ ऑन अकाउंट पे चला जाता है कर्सर। अगर आप एडवांस करना चाहें तो यहाँ पे एडवांस कर सकते हैं, ये एडवांस में चला जाएगा। यानी अगर आप, अब देखिए 5,000 ये एडवांस इनको दिया जा रहा है, एडवांस अब जो भी देंगे भाई इनसे सामान कुछ परचेस करेंगे, भाई हमारी क्रेडिटर पार्टी है, सामान कुछ परचेस करेंगे, तो परचेस करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, परचेस वाउचर में, और यहाँ से बी बटन प्रेस करके और यहाँ से परचेस वाउचर में चलते हैं। अब इनसे सामान हम परचेस करते हैं, देखिए परचेस करने के बाद क्या होगा, 5,000 चूंकि एडवांस दे दिया गया है इनको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि कितना एडवांस दिया गया है, 5,000। तो यहाँ पर एंटर करके आते हैं और यहाँ पे ऊपर जो है कितना शो कर रहा है, 5,000 शो कर रहा है और यहाँ पे परचेस का लेजर आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जो भी आप परचेस करेंगे वो एडजस्टमेंट होता जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने पल्स परचेस किया, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं लाइक 100 किलो के भाव से या 120 के भाव से परचेस किया और यहाँ पे बाकी जीएसटी आएगा आपका, तो जीएसटी जो भी वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, पैकेट वाली दाल है ये, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया। तो अभी देखिए 12,000 जो है इसमें एडजस्टमेंट होगा, मतलब कि 5,000 में से 12,744 का सामान परचेस किया गया और दिया कितना गया है, 5,000 दिया गया है। तो अभी यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, एंटर करके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर जो है एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब जबकि हम पेमेंट करने जाएंगे तो वही क्रेडिटर पार्टी, ठीक है, ये आ गए पेमेंट वाउचर में और यहाँ पर एंटर करके आएंगे। अब यहाँ देखिए ये जो है हमारी क्रेडिटर पार्टी का नाम क्या था, हमारी क्रेडिटर पार्टी का नाम था महेश, ठीक है, यही था ना, महेश होलसेलर। तो देखिए 7,444 यहाँ पर ड्यू दिखा रहा है, क्योंकि 5,000 दे दिया गया था, 12,000 समथिंग का सामान था, तो यहाँ पे 7,444 इनका ड्यू दिखाएगा, ठीक है। तो यही वो डिफरेंस है, आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना।